इस टाइम यमुनानगर के गोविंदपुरे में और मैं खड़ा हूँ इस टाइम संत हॉस्पिटल के सामने। लेके चलता हूँ आपको एक बर्गर की दुकान पे, जिस भाई का बर्गर बहुत ही ज्यादा फेमस है। आइए आपसे मुलाकात कराता हूँ उनकी। ये खड़े हैं भाई बर्गर वाले। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा सचिन, फास्ट सचिन नाम है, फास्ट फूड के नाम से दुकान के नाम से है इनकी दुकान यहाँ पर। और कहाँ खड़े थे आप? गोविंदपुरी सरकारी स्कूल, गोविंदपुरी सरकारी स्कूल के सामने। पहले तो भैया ये बताइए आप कितने टाइम से खड़े हो यहाँ पे? लगभग 10-11 साल हो गए। 10-11 साल हो गए भैया। यमुनानगर में बहुत ही खाने पीने की कमी होती है, वैसे इतना ज्यादा कोई प्रचलित नहीं होता, पर भैया को 10-11 साल हो चुके हैं। तो मिलवाते हैं भैया से और दिखाते हैं बर्गर। तो बर्गर ये बताइए पहले कि आपके यहाँ का बर्गर काफी प्रचलित, हमने काफी जगह सुना है, तो इसके पीछे का राज क्या है? पहले तो आप अपना बर्गर दिखाइए। अपना अपना क्वालिटी है, थोड़ा रेट भी सही है, तो क्वालिटी आपकी अच्छी है। कितना बड़ा बर्गर इसका? अच्छा तो ये बर्गर आप दोगे? हाँ। तो देख लीजिए आप कितना बड़ा बर्गर भैया दे रहे हैं यमुनानगर में, वो भी यार ऐसे शहर में इतना मिलता नहीं है, वैसे बहुत कम है। चलो बनवाते हैं इसका और देखते हैं टेस्ट कैसा है, वाकई में इतना बड़ा बर्गर में टेस्ट वाकई अच्छा है कि नहीं। तो भैया एक बर्गर बना दीजिए, फिर खा के आपको रेट दिखाएंगे इसका कि कितने का रेट है और कहाँ आप आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। बना दीजिए भैया। मौसम आज बारिश करके हो रहा है, आप फिर भी यहाँ पे खड़े हो? चलता है तो मौसम, अगर ठंडा रहता है तो ज्यादा चलता है, ठंडे मौसम में ज्यादा चलता है आपको लग रहा है। भैया चैलेंज रखना शुरू कर दो आप, भाई बर्गर इतने खाओगे तो इतने पैसे मिलेंगे। चैलेंज रखना शुरू कर दो कि आपकी जो बर्गर है वैसे देख के इतना हैवी हट्टा कट्टा बर्गर लग रहा है, बड़ा बर्गर है। प्राइस तो भैया ज्यादा ही होगा इसका, एक बार रेट भी बता दो भैया बर्गर का कितना रेट बताएंगे? 20 रुपए का बर्गर है। देखिए दोस्तों आपने 20 रुपए का बर्गर है, इतना हट्टा कट्टा बर्गर। और भी लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं उनसे पूछते हैं कि आपको कैसा लगता है और कब से आप खा रहे हैं यहाँ पे बर्गर। हाँ जी भैया कब से खड़े हो आप यहाँ? मैंने भैया मैं 2 दिन पहले भी आया, तो रात भी रहा हूँ बर्गर। तो ऐसा क्या है भैया के बर्गर है मतलब जो आपको इतना अच्छा लग रहा है? बड़ा भी है और 20 रुपए में काफी टेस्ट भी अच्छा है भैया का बर्गर। अरे वाह सभी तारीफ कर रहे हैं। हाँ जी भैया आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? मैं तो जी आज ही आया हूँ। आज ही आयो? बर्गर बर्गर अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। किसी ने बताया होगा आपको यहाँ के बारे में? तो देखने से लग रहा है क्रीम भी भैया ने पूरी भर दी है। 20 रुपए में हालांकि मिलता नहीं है ऐसा बर्गर, तो 50 रुपए से कम का नहीं होता, पर भैया 20 रुपए में दे रहे हैं। इतनी दरिया दिली बर्गर के साथ और क्या क्या देते हो आप? बर्गर के साथ चौमिन देता हूँ। चौमिन और सूप भी होता है आपके पास टमाटर का? ओके देखिए लोग आ ही रहे हैं, कोई रुक नहीं रहा, धीरे धीरे करके आ ही रहे हैं। अभी मेरे सामने भी कितने लोग आगे चले गए। भैया ने कितने तरह की तो सॉस ही रखी है यहाँ पे। कहाँ थे भैया आप? हमने हमने कहना पता ही नहीं कि आप भी यहाँ पे ऐसे भी खड़ा भी होता है। काफी देर बाद पता चला कि भाई यहाँ पे ऐसे वीडियो देखने खड़े हैं। ये इनकी दुकान है भाई, ये नंबर भी है, फोन करके पूछ सकते हैं एड्रेस, अगर किसी को नहीं पता चला तो एड्रेस पूछ के भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी लोकेशन मैंने आपको दिखाई दी है, गोविंदपुरी है सामने हॉस्पिटल ना, सरकार हॉस्पिटल के सामने। हाँ जी भैया खाएंगे, जरूर खाएंगे। ये कटिंग हो रही है, बर्गर को देख के सभी तरस रहे हैं, देखो सबके मुंह में पानी आ रहा है बर्गर देख के। अरे वाह लो जी भैया बर्गर हो गया हमारा तैयार, अब टेस्ट करके बताएंगे कि आपको यहाँ पे खाने चाहिए कि नहीं। इसको लगा देते हैं पहले यहाँ पे, खुशबू से तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। टेस्ट यूनिक सा आ रहा है, मतलब खाया नहीं पहले, कोई ऐसा मसाला वगैरह डालते हैं अपने, टेस्ट अच्छा। बाकी 20 रुपए में बहुत बढ़िया है, जरूर आए यहाँ पे खाने के लिए, एक बार आप जरूर ट्राई करें, एक बर्गर में पेट भर जाएगा आपका। तो मैं पहले खाता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। अरे वाह
सारी दोस्तों आपको मैंने लोकेशन भी बताई दी आसपास की कि आप यहाँ पे संतोष हॉस्पिटल के पास आ सकते हैं, कन्या चौक से थोड़ा पहले गोविंदपुरी नाम की जगह पड़ती है। नंबर भी मैंने आपको दिखा दिया, आगे आप इनको फोन कर सकते हैं एड्रेस आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो। बाकी बर्गर बहुत टेस्टी है यार। बाकी में अच्छा तो दोस्तों खा लिया हमने बर्गर, भैया को पैसे भी दे दिए, भैया को आपने देख लिया, आप भी यहाँ पे जरूर आके ट्राई करें। और चलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, फैमिली में शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। चल कर दे।